के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। 22 अगस्त को प्रदेश की नव नियुक्त राज्यपाल आनंदीबेन का गोरखपुर में हो रहा है प्रथम आगमन। विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद शाम को लखनऊ होंगी रवाना। चिलवाताल थाना क्षेत्र के जीतपुर बाजार में देसी शराब की दुकान के मुनीब की गोली मारकर हत्या और लूट के प्रयास के 3 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। एसपी नार्थ ने क्या खुलासा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयुक्त एवं सचिव ग्राम विकास व उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत के निदेशक तथा उप निदेशक ने किया स्वच्छ भारत मिशन व जल शक्ति अभियान की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कैंपियरगंज तहसील सभागार में आयोजित हुआ जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस। डीएम व एसएसपी ने सुनी फरियादियों की फरियाद, दिया निस्तारण के निर्देश। कहा शिकायतों की प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध ढंग से गुणवत्तापूर्ण करें निस्तारण। जिला अस्पताल में भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी के 75वीं जयंती के उपलक्ष्य में मरीजों में किया गया फल वितरण। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को बताया लोगों से। एसएसपी की अध्यक्षता में संपन्न हुई अभियोजन शाखा की बैठक। न्यायालयों में चल रहे पुलिस विभाग के विभिन्न वादों के निस्तारण में तेजी लाने के दिए निर्देश। एसडीएम सदर की अध्यक्षता में सदर तहसील के सभागार में आयोजित हुआ संपूर्ण समाधान दिवस। फरियादियों की समस्याओं का मौके पर किया गया निस्तारण। एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कैंपियरगंज थाने का किया औचक निरीक्षण। व्यवस्थाओं से दिखे संतुष्ट। कहा जनता से रखें सौम्य व्यवहार, उनकी समस्याओं का करें निस्तारण। मुहर्रम और गणेश पूजन पर्व को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से इमामबाड़ा चौक मोतवाली एक्शन कमेटी की बैठक हुई संपन्न। दोनों त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने पर बनी सहमति। एसपी क्राइम की अध्यक्षता में संपन्न हुई व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की बैठक। व्यापारियों की समस्याओं के निस्तारण के दिए निर्देश। कांग्रेसियों ने केक काटकर मनाया पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 75वीं जयंती। उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को किया याद, दी श्रद्धांजलि। गोरखपुर विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा आयोजित अधिकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ संपन्न। राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियों को लेकर हुई चर्चा। कानून व्यवस्था के मद्देनजर महिला थाना प्रभारी ने शास्त्री चौराहे पर किया पैदल गश्त, लोगों को दिलाया सुरक्षा का एहसास। उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा गोरखपुर के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। डीएफओ ने कहा रक्तदान है महादान। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 75वीं जयंती पर महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा श्रद्धांजलि सभा और गोष्ठी का किया गया आयोजन। कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। गोरखपुर विश्वविद्यालय में कथित व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने दिया धरना, किया प्रदर्शन। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां जोरों पर, टाउन हॉल और पुलिस लाइन में भव्य होगा श्री कृष्ण जन्माष्टमी।